我说不讲究。اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انظر على الفاتحة الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام الرسول المصدق والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولى الكونين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم وهو قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر فاطمہ صغرا جعفری بنت سید محمد محمود جعفری سید محمد حبیب جعفری ابن سید محمد محمود جعفری طاہرہ فاطمہ جعفری بنت سید حامد حسین جعفری سید محمد محمود جعفری ابن مرتضی احسن جعفری صاحب کی روح کو بخش دیں ایک شخص پریشان حال تھا، غریبی میں اس کے دن گزر رہے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے، اس کی اہلیہ نے کہا کہ جاؤ کچھ بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ وہ شخص اپنے گھر سے نکلا، جیب میں پیسے نہیں، خریدے تو کیا خریدے، کہاں سے سامان لیا جائے، اسی سوچ میں جب وہ گزر رہا تھا تو اس کا گزر ایک مسجد کی طرف سے ہوا جہاں پہ مولانا مجلس خطاب فرما رہے تھے، اور اس مجلس میں وہ صلوات کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا چلیں مسجد میں بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے کچھ فرش عزا ہے، امام حسین کے توسط سے کچھ حاصل ہو جائے، نہیں ملے گا تو کم سے کم تبرک تو مل ہی جائے گا، لے جا کے اپنے بچوں کو وہ تبرک کھلا دیں گے۔ یہ سوچ کر وہ شخص مسجد میں چلا گیا اور مولانا کی تقریر سننے لگا۔
मौलाना सवाब बयान कर रहे थे, फजाइल बयान कर रहे थे सवाब के, तो फरमाते हैं कि इंसान जब जनाब रसूल खुदा और उनकी आल के ऊपर सलवात भेजता है, तो खुदावंद आलम इंसान के ऊपर आसमान से अपनी बरकतें और अपनी नेमतें नाजिल करता है। खुदावंद आलम आसमान से बरकतें और रहमतें अपने उस शख्स के ऊपर नाजिल करता है और उसकी मुश्किलात दूर हो जाती हैं। मजलिस खत्म हो गई, ये शख्स मस्जिद से निकला, मौलाना की बात जहन में थी, बच्चे भी जहन में थे, बीवी ने क्या कहा ये भी जहन में है। सोचा मौलाना ने कहा है चलो इम्तिहान करके देख लेते हैं। मौलाना ने कहा है सलवात के बारे में, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, तो इस पे भी अमल करके देख लेते हैं। वो शख्स कहता है कि मैं जैसे ही मस्जिद से निकला मैंने सलवात भेजना शुरू की मोहम्मद पर और उनकी आल के ऊपर। कहने लगा कुछ दूर चला था कि मेरी पैर में ठोकर लगी एक पत्थर के ऊपर, तो मैं गिर गया। मैंने सोचा कि ये पत्थर रास्ते में है, इसको हटा दूं, जिस तरीके से मैं गिरा हूं कोई और नहीं। हम और आप होते तो कहते हमसे क्या मतलब, म्युनिसिपैलिटी का ठेका हमने थोड़ी लिखा है। उसने जब वो पत्थर हटाया तो उसने क्या देखा, वहां पे खजाना है। जैसे ही उसने खजाने को हाथ बढ़ा के उठाना चाहा तो उसको मौलाना की बात याद आई कि मौलाना ने कहा था अल्लाह आसमान से नाजिल करेगा, तो जमीन से मिल रही है। इसका मतलब ये वो नेमतें नहीं है जो अल्लाह हमको देना चाहता है, क्योंकि मौलाना ने मिंबर से कहा था कि सलवात जब भेजोगे तो खुदावंद आलम आसमान से तुम्हारे लिए बरकतें और रहमतें नाजिल करेगा, लेकिन ये जमीन से मिल रही है, इसका मतलब इस पे मेरा हक नहीं है। अजीब शख्स उस जमाने के लोग, अजीब लोगों का ईमान है। हम और आप होते तो बच्चे भूखे हैं, बीवी ने सामान कहा है लेकर आओ, खजाना मिल रहा है, किसी का है नहीं, चोरी कर नहीं रहा हूं, उठाओ लेके चलो। मौलाना ने मिंबर से कहा था, मिंबर की अहमियत, मौलाना की बात की अहमियत। चला अपने घर में, जब घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या किया, कहा कि कुछ मिला नहीं है। जिस घर में वो किराए पर रहता था उस घर के ऊपरी हिस्से में एक दुश्मन खुदा था, तो उसने क्या किया अपनी बीवी से बताना शुरू किया कि मैं मस्जिद गया। मस्जिद में बीवी ने पूछा इतनी देर क्यों गई, कहा गया तो रास्ते में मस्जिद थी, वहां मौलाना मजलिस पढ़ रहे थे, मैंने मजलिस सुनी, उन्होंने सलवात के फजाइल बयान किए, जब मैं निकला तो मैंने देखा कि फला जगह पे पत्थर से मेरे ठोकर लगी, और वहां जब मैंने पत्थर हटाया तो मैंने क्या देखा कि वहां पे जो है उस खजाना है, लेकिन मैंने इसलिए उस खजाने को नहीं उठाया कि खुदावंद आलम ने बरकतों का वादा किया है आसमान से नाजिल करने के लिए। तवज्जो का तालिबान, जो दुश्मन खुदा था वो ऊपर से बैठा ये सब सुन रहा था, जो दुश्मन खुदा था वो ऊपर से बैठा ये सब सुन रहा था, तो उसने कहा इसने नहीं उठाया, चल के मैं उठा लूं उस खजाने को, क्योंकि उसने बता दिया कि मैं कहां से आ रहा था और कहां पे ठोकर लगी। वो जाता है देखा पत्थर वहीं पे है, पत्थर हटाया तो अब खजाने के बजाय उसमें सांप और बिच्छू। दुश्मन खुदा खजाने को के बजाय उसके अंदर सांप और बिच्छू, तो दुश्मन खुदा समझता कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुसलमान ने मेरी जान लेने के लिए ये पूरी पिक्चर बनाई और मुझे यहां तक भेज दिया। उसने कहा अगर इसने मेरे मारने का इरादा किया है तो मैं भी सही। उसने वो पूरा उठाया वहां से और लेके चला अपने घर में। जब घर आया तो अपनी छत के ऊपर से उसने उस खजाने को उलट दिया उसके घर में। अब जब उलटता है तो वही सोना और चांदी है। अब उसका ये शोहर कहता है कि खुदावंद आलम ने जो वादा किया था कि मैं आसमान से नाजिल करूंगा, तो अपनी बीवी से कहते देखो ऊपर से नाजिल हो रहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, अजीजाने गिरामी, सलवात जैसा कल भी मैंने कहा कि ऐसी चाबी है जिससे आप अपने तमाम मुश्किलात के तालों को खोल सकते हैं, कैसी भी मुश्किल रसूल खुदा की हदीस। बहरहाल कल जिस सूरह मुबारका की तिलावत आप हजरात के सामने की और आज भी उसी की तिलावत की, उसका जाहिरी तर्जुमा आप सबको कल भी बताया। खुदावंद आलम ने कसम खाकर बता दिया कुरान में कि इंसान घाटे में है,
मगर वो लोग जो ईमान ले आए और अमल साले करते हैं, ईमान के भी और इस्लाम के भी कल फर्क, बहुत सी चीजें बताई गई मुख्तसर वक्त में। अज़ीज़ाने ग्रामी, आज मर्सिया पढ़ा जा रहा था, सोच के तो कुछ और आया था जहन में कि पढ़ूंगा, लेकिन मर्सिया पढ़ा जा रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि दुआ करो कि ज़हूर इमाम हो जाए। पढ़ना कुछ और था, लेकिन ये सब सुन के कुछ और दिल चाहता है पढ़ने का। इंशाअल्लाह कभी फ्राइडे को इमाम का अगर ज़हूर हो जाए तो हमारे पास है क्या चीज। हम तो दुआ कर रहे हैं ना कि इमाम को जरूर जाए। ऐसा नहीं करमी, आपने यह सुना है कि जब इमाम आए, जब 313 सहाबी हो जाएंगे इमाम के चाहने वाले, तो इमाम का जरूर होगा। यही तक तो हदीस है ना, तो 313 ही होंगे सिर्फ क्या इमाम के पास, नहीं ऐसा नहीं करमी, वो 313 कमांडर होंगे, उनके लिए फौज भी चाहिए। उस वक्त दो ही हालत होंगी जब इमाम का जरूर होगा, या आप इमाम की तरफ से लड़ाई होंगे दुश्मनों से, या इमाम की तलवार आपके ऊपर चलेगी। बीच का तो रास्ता है नहीं, या इमाम की तरफ से लड़ेंगे आप, या इमाम के मुकाबले में होंगे। अगर दुश्मन इमाम होंगे तो जहन्नम आपका रास्ता है, अगर इमाम की तरफ से लड़ेंगे तो इमाम की फौज में भर्ती होना पड़ेगा। भाई कमांडर है, इमाम ने ऐलान कर दिया, इमाम का जहूर हो गया, कमांडरों ने ऐलान किया कि हमने अपनी फौज बनानी है, आओ तुम लोग अपने आके हमारी फौज में भर्ती। तो अजान कर, दुनिया में भी फौज होती तो उसकी भर्ती होने की शर्तें होती हैं। आप किसी भी आर्मी में भर्ती होने के लिए जाइए तो आपका हाइट इतनी होनी चाहिए, एज इतनी होनी चाहिए, सेहत आपकी ऐसी होनी चाहिए, और आपके अंदर ये चीजें ना हो, हजारों चीजें आपके सामने पेश की जाएंगी, तब आपका इंटरव्यू होगा और आप फौज में भर्ती होंगे। तो इमाम के यहाँ भी फौज में अगर भर्ती होना हो, जब इमाम का जोर हो जाए तो वहां भी इमाम कहेंगे शर्तें हैं, नमाज पढ़ता हो, रोजे रखता हो, जो चीज ना करता हो, गीबत किसी की ना की हो, माल किसी का ना खाया हो, लोगों के साथ अच्छे से पेश आया हो, बीवी बच्चों के साथ अच्छा इखलाक रखा हो, ये सब ईमान की फौज में भर्ती होने की शर्तें। हैजान करामी, अगर आपके पास ये शर्तें नहीं है तो दुआ करने का फायदा क्या भाई। शर्तें आप ईमान फौज में भर्ती होना है ना, नहीं अगर फौज में भर्ती ना हुए तो जहन्नम हमारा रास्ता। ये फर्शी ऐसा हैजान करामी दरसगाह है, मैं अक्सर अपनी मजलिसों में कहता हूं, ये फर्शी अज़ा जो है ये एक दरसगाह है, दरसगाह यूनिवर्सिटी स्कूल जो कुछ कह लीजिए आप, दुनिया में भी स्कूल है और इमाम हुसैन की भी यूनिवर्सिटी है, करबला एक पूरी यूनिवर्सिटी थी, ये सब उसकी ब्रांचें हैं जहां जहां रज़ा खाने हैं। दुनिया में अज़ाने ग्रामी पढ़ाई कितने दिन होती है बताइए आप, स्कूल सब गए होंगे, पूरे साल में पढ़ाई कितने महीने होती है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने मैक्सिमम, 10 महीने, एग्जाम कितने दिन होते हैं, 2 महीने, सिलेबस तो यही होता है ना 2 महीने। इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी का सिस्टम कुछ उल्टा है, इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी का सिस्टम कुछ उल्टा है, इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सिर्फ 2 महीने होती, एग्जाम पूरे साल होता है। इमाम हुसैन की यूनिवर्सिटी में मुहर्रम और सफर सिर्फ पढ़ाई है, मौलाना ने बताया सुनना क्या है, समझना क्या है, इमाम का मकसद क्या था, इमाम ने किस तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए कहा। अब 2 महीने पढ़ो और पूरे साल एग्जाम दो। अब ऐसा कि नहीं है कि पढ़ाई हो रही है तो एग्जाम नहीं होगा, ऐसा नहीं, एग्जाम भी हर पंचम, हर शब जुमा आपका टेस्ट है भाई। यही तो कहा जाता ना कि हर शब जुमा हमारे पूरे हफ्ते के अमाल इमाम जमाने के सामने पेश किए जाएंगे, टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के पर्चे हमारे जा रहे हैं इमाम के पास। अगर हमारे पर्चों में हमारा नाम अमाल ऐसा हो जिसको इमाम देखकर खुश हो तो समझ जाएगा कि उनकी फौज में भर्ती हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारे नाम अमाल को देखकर हमारा इमाम गिरिया करे, हमारा अमाल देखकर गिरिया करे। ऐसा निगरानी ज्यारतों में भी आप पढ़ते हैं। बहरहाल ये सब एक मौजू है अलग अलग, जिसपे अलग अलग गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन कुछ वक्त में ये चाहता हूँ कि चीजें आप तक पहुंच जाए ताकि साल कैसे गुजारना है वो हमें देखना चाहिए, मकसद इमाम हुसैन क्या है। ज्यारतों में आप पढ़ते हैं ज्यारत आशूरा में, या लैतनी कुंतु माक, आकाश हम आपके साथ करबला में होते, पढ़ते हैं ना ज्यारत आशूरा में, करबला में होते तो क्या करते, कभी सोचा है, दुआ तो कर, ज्यारत तो कर रहे हैं कि मौला माक के साथ आकाश करबला में होते, करबला में होते तो क्या करते। एक आलिमे दीन थे, वो भी हमेशा दुआ ज़ियारत पढ़ते तो कहते थे काश हम भी करबला में होते। तो इत्तेफाक से मैंने एक दिन ख्वाब में देखा कि करबला का मैदान है, असर आशूर है,
زور کی نماز کے لیے جب مولا نے وقت طلب کیا تو دشمنوں نے وقت نہیں دیا تو جناب سعید اور جناب زہیر نے کہا کہ مولا ہم سب کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو تیر آئے گا اپنے سینے کے اوپر لے لیں گے, لیکن آپ نماز پڑھیے. ٹھیک ہے, یہ مولا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ وہی منظر ہے, سعید اور زہیر آگے بڑھے, میں نے بھی کہا کہ مولا میں بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہوں, میں بھی آگے کھڑا ہو جاتا ہوں, جو تیر آئے گا اپنے اوپر لے لوں گا. مولانا نے کہا کہ میں نے دیکھا خواب میں کہ میں بھی سب کے آگے کھڑا ہو گیا, مولانا نے نماز پڑھنا شروع کر دی, اب دشمنوں کا تیر آنا شروع ہو گئے. مولانا کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک تیر بہت تیزی سے آ رہا تھا اور اس کا سیدھا مجھے لگ رہا تھا کہ میرے دل پہ آ کے لگ جائے گا. مولانا نے جیسے ہی دیکھا, کہنا کہ جیسے ہی دیکھا تیر بالکل میرے سینے کے پاس آ رہا ہے, میں یوں ہٹ گیا. کہنے کہ میں نے دیکھا کہ وہ تیر جا کے مولا کے لگ گیا. اللہ فوراً اٹھ گئے. ہم کہتے نا کہ آلت نہیں کن تما کا اکاش کربلا میں ہوتے, کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیجیے. کربلا کی آپ کی امید کرنے کی دوسری حدیث مولا کی امام جعفر صادق علیہ السلام. کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو زیارتیں پڑھیے, جو حدیثیں پڑھیے, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے. اسی لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ پڑھتے ہیں سمجھیے کہ کیا پڑھ رہے ہیں. اکاش کربلا میں ہوتے, امام نے اس کا بہترین نسخہ دیا. کیا دیا؟ کلو یوم عاشورا کلو ارض کربلا. تم یہ چاہتے ہو نا کہ تم کربلا میں ہوتے تو ہر دن عاشورا کا ہے اور ہر روز کربلا کی ہے. ہر جگہ کربلا ہے, کلو یوم عاشورا ہر دن عاشورا کا ہے اور کلو ارض کربلا ہر دن کربلا ہے. ایک اور حدیث کا فکر اس زیارت کا ٹکڑا کیا کہ کرنا کیا ہے آپ کو, کرنا کیا ہے زیارت عاشورا میں پھرے کہ انی سلم لمن سالم اکم انی حرم لمن حارب اکم. اس کے آگے کا جملہ کیا ہے مولا جس سے آپ نے صلح کی ہے ہم صلح کریں گے, الا یوم القیامہ یعنی قیامت تک, یعنی حسین کی جنگ ختم نہیں ہوئی. زیارت میں آپ پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو کہہ دیا کہ اب مولا کہہ رہے ہیں نا, تم یہ کہہ رہے ہو کہ جب امام حسین کی جنگ چل رہی ہے اور قیامت تک جانی ہے تو ہر دن کربلا ہے, ہر دن عاشورہ کا دن ہے, ہر زمین کربلا کی زمین ہے, اور تم نے امید بھی کی تھی تو آؤ لڑنے کے لیے حسین کی طرف سے. سب سے پہلی جنگ انسان کے ساتھ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اپنے نفس سے ہوتی ہے. پہلے اپنے نفس سے تو جنگ کر کے دیکھو, اپنی خواہشات کو تو ختم کرو کہ تمہارے اندر خواہشات کیا ہیں. اگر ہم اپنی خواہشات کے اوپر نہیں قابو پا سکتے تو عزیزان گرامی ہم جنگ کیا کریں گے؟ پہلے انسان اپنے نفس امارہ سے جنگ کرے, جہاد اکبر جس کو کہتے ہیں, پھر انسان مولا کے سپاہی بننے کے قابل بنے گا. نہیں تو مولا کا ظہور ہو گیا اور ہم دعا کرتے رہے, پتہ چلا مولا آ بھی گئے, شاید دعائیں جھوٹ موٹ کرتے ہیں. اگر سچ مچ دعا کرتے ہوتے تو مولا کے آنے کے لیے اسی طریقے سے اپنے آپ کو تیار بھی کرتے. عزیزان کرام آپ کو تو دیکھیے ہمیشہ پردہ غیروں سے ہوتا ہے, اپنوں سے آج تک کہیں پردہ ہوا ہے؟ آپ ان کو ہی بتا دیجیے کہ کبھی انسان اپنوں سے پردہ کرتا ہے؟ نہیں. اگر ہمارا امام پردہ غیب میں گیا ہے تو دشمنوں کی وجہ سے گیا ہے. ہم تو چاہنے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا, تو ہم کو تو امام سے ملاقات ہونا چاہیے. لیکن آج تک کتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں جو بتا دے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی, لیکن جو چاہنے والے تھے امام کے, امام سے ان کی ملاقات بھی ہوئی. آیت اللہ مرشی نجفی کے والد آیت اللہ مرشی نجفی ایک ایسے عالم دین تھے جنہوں نے دوسروں کی نمازیں قضا پڑھ کے, ہمارے والد کا انتقال ہو گیا, میں نے جا کے پیسے دے دیے کہ مولانا میرے والد کی ایک سال کی نماز پڑھ دیجیے گا. دیکھیے اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان لائے ہو تو عمل صالح کرو. عمل صالح میں نے کیسا کیا کہ دوسروں کے والدین کی نماز اجارہ, یعنی میرے والد مرے میں نے جا کے مولانا کو پیسے دے کے مولانا نماز پڑھ دیے گا, ایک سال کی نماز کا $100 ہے. انہیں نے ان پیسوں سے جمع کر کر کے لائبریری بنائی ہے جو دنیا میں شیعوں کی نمبر ون کی لائبریری ہے. عالم الدین پڑھا نماز دوسروں کی, لائبریری بنائی دوسروں کے لیے. ہم ہوتے تو ہم کہتے اپنی نماز تو پڑھ نہیں پا رہے, دوسروں کی کہاں سے پڑھا. اپنی نماز پڑھنے کا تو ٹائم نہیں ہے, آفس میں بزی زیادہ ہے, گھر میں بچوں کے ساتھ بزی ہے, ٹائم مل نہیں رہا ہے. اپنی نماز تو وقت پہ ہوتی نہیں کہ دوسروں کی نماز کہاں سے پڑھیں گے. عالم دین جنہوں نے اپنی نماز تو پڑھی پڑھی, ساتھ میں دوسروں کی نماز پڑھ کے دوسروں کے لیے لائبریری بنائی, اس کو کہتے ہیں عمل صالح. الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک عمل کیا,
वालिद ने अमल क्या किया, अमल ये किया कि एक ऐसा अमल होता है, उनके वालिद भी बहुत बड़े आलिम दीन थे, अमल ये किया कि जिससे इमाम जमाना से उनकी मुलाकात हो जाए, अमल ये किया कि इमाम जमाना से मुलाकात हो जाए। कहने लगे जब 40 दिन अमल के हो गए तो मैंने देखा कि इमाम जमाना कूफे की एक दुकान पर, एक ज़ईफ की दुकान पर बैठे हुए हैं। इमाम जमाना कूफे की गली में एक ज़ईफ ताला बनाने वाला है, उसकी दुकान पर बैठे हुए। कहा कि मैंने कपड़े पहने और सीधे पहुंच गया वहां पे। इमाम ने दूर से इशारा किया, चुपचाप बैठ गया। कह लगे मैं बैठ गया। कह रहे ना पर्दा गैरों से होता है, अपने से पर्दा नहीं होता। हम दुआ करते हैं कि दुआ करो कि इमाम ज़हूर हो जाए। कहा कि मैं बैठ गए। इमाम ने कहा सिर्फ देखो, वहां पे वो ज़ईफ आदमी ताले बना रहा था। चाबियां जो होती थी पुराने जमाने में, आजकल भी पता नहीं यहाँ पे है कि नहीं, किसी की चाबी खो गई तो चले गए ताले वाले के पास, भाई चाबी बना देना। कहा कि ज़ईफा आई, ज़ईफा ने कहा कि भाई मैं ये ताला बेचना चाहती हूँ, उसकी कीमत क्या है। उस शख्स ने कहा कि इस ताले की कीमत 10 दिरहम है, लेकिन इसकी चाबी नहीं है, इसलिए मैं तुमसे 2 दिरहम का खरीदूंगा। तवज्जो का ताले कौन सा निकालूंगा। तो ज़ईफा कहती है कि इस पूरी मार्केट में मैं टहली हूं, जितने लोगों के पास गई हूं, किसी ने भी मुझे 4 और 5 दिरहम से ज्यादा कीमत नहीं बताई इसकी, किससे ज्यादा देता मुझको, लेकिन तुम क्यों दे रहे हो। कहा कि इसकी कीमत ही यही है, जिसने भी तुमसे सब कीमतें बनाई सब तुमसे कम कीमत पे खरीदना चाह रहे थे, लेकिन इसकी कीमत जो वाकई रियल प्राइस जो इसका है वो ये है कि 10 दिरहम इसका रियल प्राइस है, 2 दिरहम की चाबी बनेगी जो मैं बनाऊंगा वो तुम्हारे पास नहीं, इसलिए मैं तुमसे 8 दिरहम का खरीदूंगा। अब इमाम वहां से उठे और चल चल। अजीब जुमला था इमाम का। इमाम कहते हैं कि अमल के जरिए से हमको ना ढूंढो कि आप 40 दिन का अमल करो, बल्कि तुम्हारे अमाल ऐसे हो कि हम खुद तुमसे मिल जाए। अमल अमल नहीं करो बल्कि तुम्हारे अमाल ऐसे होने चाहिए कि हम खुद तुमसे मिलने आए। खुश नसीब है जिनसे ईमान की मुलाकात हुई। तो अगर दुश्मन आपका ये कहे कि तुम तो ये दावा करते हो कि तुम्हारा इमाम जिंदा है, तो कभी तुमसे मुलाकात हुई है या नहीं, तो आप जवाब क्या दीजिए। है किसी के पास से? तो दुआ करने से अच्छा यह है जानी ग्रामी कि हम पहले अपने आप को सुधारें, दुआ बाद में करें, पहले हम अपने आप को सुधारें कि हमारे, देखिए जानी ग्रामी हमारा यकीन है कि हमारा इमाम जिंदा है तो हम और हमको देख रहा है। ऐसा नहीं आप ये नहीं सोचिए कि हम में से किसी को इमाम पहचान नहीं है, आपको नाम बना भी हम जानते हैं, वो इमाम ही क्या जो अपनी उम्मत को ना पहचाने। हम ऐसे को अपना इमाम ही नहीं मानते कि जो अपनी उम्मत की खबरगिरी ना करता हो। याद होगा आपको कि मौला रात में जाते थे अपनी उम्मत के लिए खाना पहुंचाना। हजरत इमाम अली भी, इमाम हसन भी, इमाम हुसैन भी रातों में जाते थे अपनी उम्मत वालों को जो परेशानियां थी रोटियां उनके घरों तक पहुंचाते थे। तो वो इमाम ही क्या जिसको अपनी उम्मत की खबरगिरी ना हो। तो इमाम आपको नाम से पहचानते। अब ऐसा ना हो कि कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, किसी की गीबत कर रहे हो बैठे और इमाम सुन रहे हो। आपको तो ये सोचना चाहिए ना कि हमारा इमाम जिंदा और हमको देख रहा है, इमाम के सामने हम गीबत कर रहे हैं, किसी का माल हराम खा रहे हैं और हमने ये सोच लिया कि अरे इमाम तो जिंदा हमको देख रहे होंगे और हम माल खा रहे हैं। ऐसा नहीं करें, इमाम देख रहा है, इमाम के सामने सब कुछ आया है और हम वो काम कर रहे हैं जो इमाम को पसंद नहीं है, तो इमाम के दिल के ऊपर क्या गुजरेगा। हमारा दुआ करना कि अल्लाहुम्मा अज्जिलनी वलियल फरज ये सब बेकार है। इमाम ने कहा ना कि अमल करो, अमल अमल नहीं करो, अमाल ऐसे अपने बनाओ कि हम खुद आए। हमारा जो काम है वो हम करें, जो मौला का काम है वो कर रहे हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाल। तो आयतुल्लाह मरशी नजफी के बारे में मैं आपसे बता रहा था कि आयतुल्लाह मरशी नजफी जिन्होंने दूसरों की नमाज पढ़ के अमल साले किया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, इसी को पर कल गुफ्तगू हो रही थी कि जो लोग ईमान लाए हैं वो अमल साले भी करते हैं। उन्होंने दूसरों की नमाज पढ़ी, दूसरों के लिए किताब खाना बनाया। ऐज़ाने ग्रामी आयतुल्लाह मरशी नजफी जब इस दुनिया से जाने लगते हैं तो उन्होंने वसीयत की, ऐसे मर जा जिन्होंने ऐसा काम किया
इतने बड़ी लाइब्रेरी बनाई, उसके बाद भी वो ये वसीयत करते हैं कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो वो रूमाल जिससे मैंने 70 साल आंखों से बहने वाले आंसू इमाम हुसैन की मोहब्बत में पोछे थे, वो रूमाल मेरे साथ दफन करना। 70 साल एक रूमाल से आंसू पोछे थे, कहा कि मुझे मेरी शिफात के लिए बस यही एक सहारा है, मेरी शिफात का सिर्फ यही एक आंसुओं का सहारा है जिसके जरिए से मैं जान समझता हूं कि मेरी शिफात हो जाए, बाकी जो मैंने सब किया है इसमें मुझे पता नहीं कि खुदावंद आलम ने कबूल किया या नहीं किया। ऐसा नहीं करें, शर्त यह है कि खुदावंद आलम कबूल करे। जनाब इब्राहिम जब खाने काबा को बनाने लगे तो बनाने वाला पैगंबर, जनाब इस्माइल जो उनकी मदद कर रहे थे वो भी नबी, बना क्या रहे हैं खाने काबा जिसमें लोग आकर इबादत करेंगे, जब उसको बना चुके तो खुदावंद आलम से कह रहे रब बना तकबल मिलना, पालने वाले हमसे इस अमल को कबूल फरमा। शर्त यह है कि आप जो कुछ कर रहे हैं उसको खुदा कबूल कुने कबूल करे। ऐसा निगरानी नमाज के लिए कहा जाता है कि नमाज इंसान को फोशा और मुनकर से बचाती है, यानी बुराइयों से बचाती है। उलमा कहते हैं कि अगर तुमको यह देखना है कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई है या नहीं तो तुम देखो कि तुम बुराइयों से बचे हो या नहीं। कुरान की आयत है, झूठी तो हो नहीं सकती। कुरान की आयत है कि नमाज इंसान को बुराइयों से बचाती है, तो उलमा ये कहते हैं कि तुम देखो कि तुम्हारी नमाज, अगर देखना ही है कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई है या नहीं तो तुम देखो कि तुम बुराइयों से बच रहे हो या नहीं, अगर नहीं बच रहे हो तो समझ लेना कि तुम्हारी नमाज कबूल नहीं। इसी तरीके से अगर आपको यह देखना है कि आपके आंसू जनाबे फातिमा के रुमाल में कबूल हुए या नहीं तो आप अपने आप को देखें कि मकसद इमाम हुसैन के ऊपर कितना चल रहा है। जितना आपके अंदर हुसैनियत होगी उतनी ज्यादा आपकी इबादतें कबूल होंगी, लेकिन अगर हमारे अंदर कबूली नहीं है तो जनाबे मरशी साहब कहते हैं कि मेरी साथ इस रुमाल को रख देना ताकि मेरी शिफात इस रुमाल के तवस्सुल से हो जाए। ऐसा निगरानी हमारे आमाल क्या होंगे हमें नहीं पता, नमाज कबूल हो नहीं हो, रोजा कबूल हो नहीं है, हज कबूल हो, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी, कुरान कहता है कि वैलुल मुसल्ली, लानत है नमाज पढ़ने वालों को। भाई कुरान तो सब कुछ है, नमाज पढ़ने जा रहे हो लोग इसलिए पढ़ेंगे कि नमाज, लोग कहेंगे बहुत नमाजी था। एक आलिम दीन थे, वो 30 साल तक सफ़े अव्वल में नमाज पढ़ते थे। 30 साल तक नमाज जमात उन्हीं ने सफ़े अव्वल में पढ़ी। 30 साल कम नहीं होता जाने का, इंसान 30 दिन तो जमात में अव्वल सफ़े पहुंच नहीं पाता है, 30 साल की बात है। 30 साल तक उन्हीं ने नमाज जमात में सफ़े अव्वल में खड़े होकर नमाज पढ़ी। एक दिन वो किसी काम में मसरूफ हो गए तो वो देर में पहुंचे तो दूसरी सफ में खड़े हुए। अब जब वो दूसरी सफ में खड़े हुए तो उनको ये ऐसा महसूस हुआ कि आज लोग क्या कहेंगे कि मैं दूसरी सफ में खड़ा हूं। जैसे ही उनके दिल में ये ख्याल आया उन्होंने कहा ये शैतान ने मुझे बहकाया, इसका मतलब जो मैंने 30 साल नमाज पढ़ी थी वो अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए पढ़ी थी, मैंने अल्लाह के लिए नहीं फिर वो नमाज लोगों के लिए पढ़ी थी। क्योंकि इंसान चाहे पहली सफ में खड़ा हो चाहे दूसरी सफ में खड़ा हो चाहे आखिरी सफ में खड़ा हो, नमाज तो नमाज है। वो कहते हैं कि जैसे ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि आज लोग क्या कहेंगे, वो आलिमुद्दीन जाते हो 30 साल की कज़ा नमाजें पढ़ते हैं, आलिमुद्दीन जाते हैं फिर कहते हैं वो नमाज मैंने अल्लाह के लिए नहीं पढ़ी 30 साल, वो नमाज मैंने लोगों के लिए पढ़ी थी, इसलिए वो जाते हैं उस 30 साल की नमाजों को कज़ा करते हैं और फिर से पढ़ते हैं। ऐसे ऐसा नहीं, मैं आइम्मा के वाकयात बहुत कम पढ़ता हूँ। क्यों? क्योंकि खादिमान इमाम हुसैन ऐसे हैं जिनकी अगर आप सवाने हयात पढ़िएगा वो कहते हैं वो तो इमाम थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर लिया। नहीं, मैं मिसालें इस दुनिया के उलमा की देता हूँ और ऐसे अफराद की देता हूँ ताकि आपको पता चले कि आप भी बन सकते हैं। कोशिश चाहिए, आप भी बन सकते हैं। ऐसे ऐसे आलिम दीन के अलावा आम लोग, रजब अली खयात जिनके बारे में बहुत मशहूर है कि बहुत मुत्तकी आदमी थे, उन्होंने पढ़ा नहीं था जाने करामी किसी मदरसे में जाके, या मौलवी नहीं थे वो, लेकिन मौलाना हजरत उनके पास जाते थे मसले पूछने। अल्लाह के नजदीक कितने नजदीक हो गए थे इल्ला लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहात करके, नेक काम कर करके, कि खुदावंद आलम ने उनको ऐसी चीजें अता की थी। एक मरतबा वो जा रहे थे अपने घर से निकले, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, घर से निकले
बाजार मस्जिद जाने के लिए, तो उनके जहन में एक मकरूह फिक्र आई, जहन में मकरूह फिक्र। मकरूह तो जानते हैं ना आप लोग, जिसके करने में सवाब नहीं है लेकिन छोड़ दिया जाए तो सवाब है। हम लोग तो कितने हराम काम कर जाते हैं, फिक्र ही नहीं होती। मकरूह तो छोड़ ही नहीं है, अरे छोड़ो तो छोटा सा हराम है, कोई बात नहीं, ना महरम को लेकर कोई बात नहीं, अल्लाह माफ कर दे, झूठ बोले कोई बात नहीं, मतलब हराम काम करते हो कहते बहुत आसानी से लेते, कोई बात नहीं। अगर कोई गीबत करो कहते हैं आप तो उसके पीछे उनके पीठ पीछे कहो, तो मुंह पे आए तब भी हम कह देंगे, ऐसा ही मुंह पे कह दोगे कहते हैं ये तो उन्हीं ने किया था, वही तो हम कह रहे हैं। अरे भाई ना किया होता तो बोहतान हो जाता, तुम किसी आदमी के ऊपर जो है वो तोहमत लगाते। गीबत तो वही है ना कि जो उसने किया हो तो पीठ पीछे उसको कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि मेरे जहन में एक मकरूह फिक्र आई। रजब अली खयाल कहते हैं कि मेरे जहन में एक मकरूह फिक्र आई। थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो देखा एक ऊंटों का कारवान उधर से गुजर रहा था, तो कहने के मैंने देखा, मैं देख रहा था कि एक ऊंट ने उसके सामने एक पत्थर पड़ा था, उसने अपने पैर से वो पत्थर मारा, मैं अगर बच ना गया होता तो पत्थर मेरे लग जाता। अल्लाह अकबर, कहने अगर बच ना गया होता तो पत्थर मेरे लग जाता। कहने के मैं इसी सोच में था कि इस ऊंट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कहने लगा मस्जिद जब पहुंचते हैं, कहने लगे मुझे याद आया आलम रोया में, मैंने कहा कि इस ऊंट ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो कहा कि ये उस फिक्र का नतीजा था जो तुमने अपने ज़हन में लाए थे, उस मकरूह फिक्र का। तो कहा कि मैंने वो मकरूह फिक्र थी की तो नहीं, कहा वो पत्थर भी तो तुमको लगा ना, कहा वो पत्थर भी तो तुमको नहीं लगा। ऐसा निकलामी जो अल्लाह से मुकर्रब हो जाते हैं बंदे, जो अमले साले करके अपने आप को अल्लाह के इतना नजदीक कर लेते हैं, तो खुदावंद आलम उनके साथ उसी तरीके से पेश आता है। वो चीजें जो हम आप नहीं देख सकते वो देख सकते। आइम्मा नहीं थे वो, आइम्मा का दर्जा तो बहुत बुलंद है जाने के लिए। तो इल्ला लजीन आमनू वो आमिलुस सालिहात, ईमान लाए हो तो अमले साले करो। क्योंकि इंसान दावे तो बहुत बड़े बड़े करता है कि हम ये कर देंगे, हम ये कर ले सकते हैं। कुरान कर रहे दावा कर रहे तो साबित कर। पुराने जमाने में दस्तूर ये था कि जब जंग होती थी तो लोगों को असीर बनाकर लाया जाता था। तो एक शख्स को असीर और फिर उनको गुलामों के तौर पे बेचा जाता था। ऐसा ना करके जो कह रहे हो उसको करके दिखाओ, इल्ला लजीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो दावा कर रहे हो उसको साबित करके दिखाओ। कुरान तो कहता है साबित करो। तो एक शख्स को लाए असीर करके और उसको बाजार में बेचा जाने लगा, तो कीमत उस गुलाम की क्वालिटी के ऊपर थी। जिस गुलाम के अंदर जितनी क्वालिटी उसकी कीमत उतनी। अच्छा सेहतमंद है, जवान है, क्या कर सकता है, क्या खूबियां हैं, क्या सिफात हैं उसके अंदर, उसी हिसाब से उस गुलाम की कीमत लगती थी। सपोज अगर गुलाम की कीमत है उस जमाने में $1,000 थी, तो इस गुलाम की कीमत $20,000। पूछा गया भाई इतना महंगा क्यों, कहा कि इसके अंदर ये क्वालिटी है कि अगर किसी को प्यास लगती है तो ये बता देता है। ऐसे लोग क्वालिटी के देते हैं। कहा इसके अंदर क्वालिटी है कि ये प्यास लगती है तो बता देता है। एक शख्स ने खरीदा, कहा ठीक है मैं खरीद लूंगा, लोगों को खरीदा और अपने घर लेकर गया। घर पर ले जाने के बाद अब दावा था गुलाम का कि जिसको प्यास लगेगी मैं बता दूंगा, तो साबित भी करना है क्योंकि पैसे दिए $20,000। लोगों को बुलाया, दावत दी, जब लोग जमा हो गए तो खाने के दस्तरखान पे सब कुछ मौजूद है लेकिन पानी नहीं। खाने के दस्तरखान पे सब कुछ मौजूद, पानी नहीं। अब जब लोगों ने खाना शुरू किया तो कुछ देर में किसी ने किसने कहा भाई पानी नहीं है, प्यास लगी है। तो मालिक पूछता है गुलाम से, क्या बताओ इसको प्यास लगी खाने। कुछ देर बाद और फिर कोई दस्तरखान से बोला, अरे भाई पानी कहां है, प्यास लगी। फिर मालिक पूछता है गुलाम से, ये बताओ इसको प्यास लगी कहां। अब ऐसा ही होने लगा, 8-10 लोग पानी पानी कर रहे हैं और गुलाम से वो पूछ रहा है, गुलाम कह रहा है इनको प्यास नहीं लगी है। उसी में से एक शख्स खड़ा होता है, खड़ा होने के बाद जहां पानी रखा था वहां गया और उसने पानी पी लिया। गुलाम कहता है कि जो पानी की प्यास वाकई लगी थी वो ये शख्स था। आदमी की तरह अमल करते जाते जहां पर पानी था जाकर पी लेते। इन सब के बावजूद ऐज़ान-ए-गिरामी इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात,
अगर ईमान लाए हो तो अमल साले करो। करबला में भी जो आपने देखा वो सब ईमान के साथ साथ अमल साले था। जितना भी करबला में हुआ कोई भी चीज इमाम हुसैन के ऊपर वाजिब नहीं थी, जो इमाम हुसैन वाजिबात पे अमल कर रहे हैं करबला, ये सब अमल साले थे, अमल साले के ऊपर अमल कर रहे थे इमाम हुसैन। ऐज़ाने ग्रामी कालिम दीन थे। जब मुहर्रम की इब्तिदा हुई तो हर साल वो मजलिसें पढ़ने जाते थे, बस ज्यादा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, मजलिसें पढ़ने जाते थे, कई साल से मजलिस पढ़ रहे थे। उनके गले में ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि डॉक्टरों ने कहा कि अब इस साल से आप मजलिस नहीं पढ़ सकते, अगर आप मजलिस पढ़ेंगे तो आपकी जान को खतरा है क्योंकि गले की नसें फट जाएंगी। हत्ता कि डॉक्टरों ने उनको ये भी मना कर दिया कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, अगर आपको खाना चाहिए तो आप पेपर पे लिखिएगा, अपने घर वालों को दीजिएगा कि खाना चाहिए, पानी चाहिए तो कालिक के लिए। डॉक्टर ने कहा अगर आप 6 महीने तक इसी तरीके से रहेंगे तो हो सकता है कि कुछ आपके हालात में बेहतरी आ जाए। जब गुजर गया कुछ दिन तो उन्होंने देखा कि माइक पर से मातम की आवाज आ रही है, कहीं बाहर आ निकलते नहीं थे क्योंकि बोल सकते नहीं थे, माइक पर मातम की आवाज है। तो बेटे से पूछा कि ये बताओ कि माइक पर मातम की आवाज क्यों? तो बेटे ने कहा बाबा मुहर्रम शुरू हो गया। जैसे उन्होंने ये सुना अपने रिदा उठाए और अपने कमरे में चले गए, रोना शुरू करते हैं मौला की खिदमत की, मौला जिंदगी भर मैंने आपकी गुलामी की है, मौला जिंदगी भर आपकी नौकरी की है, अब आखिरी उम्र में मेरे गर्दन में गले में वो ताकत नहीं जो आपके मसाइल बयान कर सके। कहते हैं वो बयान करते जा रहे हैं और इतने में उनकी उसी बयान में उनकी आंख, कहते हैं मेरी आंख लग गई तो मैंने क्या देखा कि एक मजमा है जहां बहुत ज्यादा लोग बैठे और मजलिस हो रही है। तो मैंने किसी से कहा कि ये बताओ कि क्या हो रहा है, कहा यहाँ मजलिस हो रही है, कहा कि इतने लोग इस मजलिस में, कहा इस मजलिस में इमाम हुसैन खुद आया, कहा खुद इमाम हुसैन इस मजलिस में आया, कहा कि मैंने जैसे ही देखा कि इमाम हुसैन आए हैं तो मैं मजलिस को चीरता हुआ मौला की खिदमत में पहुंच गया, कहा कि मौला मैं आपका गुलाम हूँ, मौला मेरे गले में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपके मसाइल बयान कर सकूं, मौला मुझे शिफा दीजिए, मौला मुझे शिफा दीजिए। तो मौला ने एक दूसरे जाकिर थे हाज अब्बास कुम्मी, उनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि जाओ अब्बास कुम्मी से कहो कि मेरी बेटी सकीना के मसाइल पढ़े, जब मेरी बेटी सकीना के मसाइल पढ़ेगा तो उसके तवस्सुत से तुमको शिफा मिल जाएगा। वो कहते हैं मैं अब्बास कुम्मी के पास गया तो अब्बास कुम्मी कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि मौला के सामने ये बयान करूं कि बाप मौला आपकी बेटी को तमाचे मारे गए, कहा कि मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं। फिर वो पहुंचते मौला की खिदमत में, कहा मौला उन्हीं ने पढ़ने से मना कर दिया, मौला खुद खड़े होते हैं कि अब्बास कुम्मी ये मेरा हुक्म है कि मेरी बेटी सकीना के मसाइल बयान करो। जैसे ही मौला का हुक्म हुआ अब्बास कुम्मी खड़े होते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, उधर से मौला ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब शेर फारसी में पढ़ना उन्होंने शुरू किए, ऐज़ाने ग्रामी सिर्फ एक शेर का तर्जुमा और आप हजरात की ज़हमत को तमाम करता हूँ। जब अब्बास कुम्मी इस शेर पर पहुंचे जिसका तर्जुमा यह है कि बाबा जनाब सकीना की जमानी, बाबा जब उस जालिम ने तमाचा मारा तो उसके हाथ बड़े थे मेरे नुकसान छोटे थे, बाबा उस तमाचे की वजह से मेरे कान का पर्दा फट गया, बाबा जब भी मैं उस करवट लेटती थी तो मेरे कान में तकलीफ होती थी, बाबा आप उस वक्त कहां थे जब सकीना को तमाचे मारे जा रहे थे। सयालम लजीना जलमु अय्यमुन कलबीन यनकलबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमारे इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि मुहिब्बान अहले बैत जहाँ जहाँ भी उनके जान व माल व आबरू की हिफाजत फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि मुहिब्बान अहले बैत जितने भी मकरूज़ हैं उनके कर्जों को अता फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि मुहिब्बान अहले बैत जितने भी साहिब औलाद हैं उनको औलाद सालेह और सालिम अता फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमें अमल सालेह करने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि हमें मकसद इमाम हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमा। पालने वाले तुजवा साहब मोहम्मद वाले मोहम्मद का कि इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा।